जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ही सूची जी, हमारे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं उसे क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करता है, कौन, डीएनए, है ना। इसका यूज हम लोग चोर का पता करने के लिए, पेरेंट जो माता पिता है उसका पता लगाने के लिए, ठीक है ना, डीएनए का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई आपको होता है ना, कोई मतलब बच्चा है उसके माता पिता का पता नहीं है, तो उसके डीएनए से हम पता करते हैं कि हाँ ये किसका एक्चुअल में बच्चा है। जैसे कोई आपको मतलब क्या होता है, फॉरेंसिक जो लैब्स होते हैं जहां पर कि अज्ञात कोई लाश मिला है ना, अब उसका चेहरा देखकर नहीं पहचाना जा सकता है कि कौन है, किसका मतलब वो है, तो वहां पर भी डीएनए टेस्ट कराकर क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि अच्छा हाँ ये इसका क्या है, ये इसके पेरेंट्स हैं या फिर ये इसके चाइल्ड है। यहां पर आप एक चीज याद रखेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बताओ कहां पर है, बता सकते हैं आप लोग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, एनीवन कोई बता सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? हां जी, डीएनए चलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है आप लोग ये बताओ। अब हम बात करते हैं आरएनए की, है ना, और नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी बायो की अंतिम क्लास होगी, लास्ट क्लास होगी, है ना। चलिए ये देखो, ये जो आपके मतलब जो नाइट्रोजिनस बेस होता है ना, एक दूसरे से बॉन्ड के द्वारा ऐसे जुड़े होते हैं। एडेनिन जो होता है ये डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है किससे, थाइमिन। ये ए जो है, ए का मतलब है एडेनिन, है ना, जी का मतलब है गुआनिन, है ना, सी का मतलब है साइटोसिन, और टी का मतलब क्या है, थाइमिन, है ना। इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है वहां पर, ठीक है, क्लियर है, हैदराबाद में, वेरी गुड, सभी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, ये कहां पर है, हैदराबाद, बहुत बढ़िया। चलो अब चलते हैं इसके आगे, अब हम बात करते हैं आरएनए की, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, आरएनए का पूरा मतलब क्या होता है, पहले तो याद रखिएगा, इसका पूरा मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहां तक कोई तकलीफ है बताइए, कोई समस्या है तो, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों आरएनए को। अगर आपसे पूछा जाए किसने खोजा, तो याद रखिएगा इसको भी एम फ्रेडरिक ने खोजा, है ना, मिस्टर फ्रेडरिक ने खोजा, ठीक है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अच्छा ये बताओ, मेरा प्रश्न है आप लोगों से, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था आरएनए का सिंथेसिस किसके द्वारा किया जाता है, आरएनए का निर्माण किसके द्वारा होता है, आप लोग ये बताएं, आरएनए का निर्माण किसके द्वारा होता है, आरएनए का निर्माण किसके द्वारा होता है, आप लोग ये बताएं, ठीक है, ठीक है, बताइए आरएनए जो है, आरएनए का निर्माण जो है वो कौन सा, मतलब कोशिका के अंदर कौन सा हिस्सा आरएनए का निर्माण करता है, आप लोग ये बताइए, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करेंगे, और कुछ बातें हैं, दो तीन पॉइंट हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, फिर हमारा आरएनए फिनिश यानी कि सेल हमारा फिनिश, कल हम लोग कुछ और प्लांट से रिलेटेड कुछ चीजों की बात करेंगे, और फिर मतलब कल देखिए, कल भी मेरी क्लास होगी, ध्यान से आप लोग सुन लेंगे सभी बच्चे, आपकी कल भी मेरी क्लास होगी, ट्यूसडे को भी, इस वीक में ना वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ये तीन दिन लगातार आपकी क्लास होगी आरओसी मैम की, और कल यानी कि ट्यूसडे और सैटरडे ये मेरी क्लास होगी, ठीक है ना, बिकॉज कि बीच में मेरा कुछ मतलब पेपर है मेंस वगैरह का, तो इसलिए मैं बीच में तीन दिन अवेलेबल नहीं रहूंगा, तो इसलिए इस वीक ट्यूसडे सॉरी वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपकी आरूसी मैम की क्लास होगी, कल मेरी ही क्लास होगी, और सैटरडे को भी मेरी ही क्लास होगी, याद रखेंगे इस चीज को। आरएनए का निर्माण दोस्तों कौन करता है, याद रखिएगा, आरएनए का निर्माण न्यूक्लियोलस के द्वारा होता है, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका के द्वारा होता है ना, केंद्रिका के द्वारा होता है, केंद्रिका के द्वारा होता है, न्यूक्लियोलस के द्वारा होता है, इस चीज को आप याद रखेंगे, न्यूक्लियोलस। अब मेरा सवाल है आपसे, ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस को किसने खोजा था, आप लोग ये बताएं, न्यूक्लियोलस को किसने खोजा था, आप लोग ये बताइए, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस की खोज किसने करी। अब देखो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए के प्रकार, तो याद रखिएगा दोस्तों आरएनए जो होते हैं ना, ये आपके कुल कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके कुल तीन प्रकार के होते हैं। कहेंगे सर कौन कौन सा होता है, याद रखिएगा एक होता है एमआरएनए, ऐसा ही लिखना है आपने, पूरा मतलब मैं अभी बताऊंगा क्या होता है, एक होता है दोस्तों टीआरएनए, है ना, और एक होता है दोस्तों जिसे हम कहते हैं आरआरएनए, है ना, आरआरएनए। अब ये तीनों आरएनए का क्या मतलब है, ठीक है,
ये तीनों आरएनए का क्या मतलब है? आरआरएनए का मतलब है दोस्तों मैसेंजर आरएनए। इसका पूरा मतलब क्या है? मैसेंजर आरएनए। इसका पूरा मतलब क्या है? ट्रांसफरल, ट्रांसफरल आरएनए। और इसका पूरा मतलब क्या है? राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, अब ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है तो याद रखिएगा, आरएनए का मेन काम क्या है आपको अगर ये पता है ना कि आरएनए, हाँ फोंटाना ने की थी, वेरी गुड, न्यूक्लियोलस को फोंटाना ने खोजा था, बहुत अच्छे दीक्षा जी। रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज करी थी? न्यूक्लियस की, केंद्र की खोज करी थी। मैंने केंद्रिका पूछा आपसे, केंद्रिका को फोंटाना ने खोजा था। मैसेंजर आरएनए की बात करें तो याद रखिएगा ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस के डायरेक्शन पर, ये न्यूक्लियस के डायरेक्शन यानी कि केंद्र के निर्देश पर डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट मैसेंजर आरएनए की बात करें तो याद रखिएगा ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस के डायरेक्शन पर, ये न्यूक्लियस के डायरेक्शन यानी कि केंद्र के निर्देश पर डिफरेंट टाइप के किसको, समझना, आरएनए का मेन काम है क्या? प्रोटीन का निर्माण करना। और आप जानते हैं प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड से। तो याद रखिएगा ये कोशिका में केंद्र के निर्देश पर, न्यूक्लियस के डायरेक्शन पर अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड को सेलेक्ट करता है, अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड को क्या करता है? सेलेक्ट करता है। कौन? मैसेंजर आरएनए। ये न्यूक्लियस इसको मैसेज देगा कि हाँ तुमने ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, ये जो आपका जरूरी अमीनो एसिड्स है, उसे क्या करना है आपने, उसको क्या करना है आपको, सेलेक्ट करना है। रोहित जी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम डीएनए का मतलब इसके फिंगरप्रिंट लेते हैं हाथ का, और उसके फिंगरप्रिंटिंग से हम लोग डीएनए का पता लगाते हैं, उसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। ठीक है, हर व्यक्ति का जो फिंगरप्रिंट होता है ना वो अलग होता है, जितने भी पोर्शन है सभी का फिंगरप्रिंट जो होता है ना, सबका क्या होता है? डिफरेंट होता है, और उससे हम उसके डीएनए का पता लगाते हैं, जिसे कहा जाता है फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये क्या करता है दोस्तों, याद रखिएगा ये सेलेक्ट किए हुए, ध्यान से समझिएगा, ये सेलेक्ट किए हुए एमिनो एसिड को क्या करेगा, नाम ही है ट्रांसफरल, एमिनो एसिड को कहां तक पहुंचाता है? आरआरएनए तक ट्रांसफर करता है, बस इसका यही काम है। ये एमआरएनए क्या करेगा? एमआरएनए डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड को सेलेक्ट करेगा। टीआरएनए क्या करेगा? नाम में ही है देखो ट्रांसफरल, ये इसे क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा कहां? आरआरएनए को। और जब आरआरएनए की बात करते हैं, ये क्या करता है फिर? ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ये फिर क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, जो सेलेक्ट किए हुए अमीनो एसिड है उससे क्या करता है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है। तो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए, और इसके क्या है? ये फंक्शन है, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया, तो इतना आप लोग लिख लेंगे। अब तीन चार पॉइंट हैं, उन चार पॉइंट की हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे चार पॉइंट आपको याद रखना, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है डुप्लीकेशन, है ना, और एक होता है ट्रांसलेशन। ये चार वर्ड से आपके एग्जाम में सवाल हो सकता है, पूछ दिया जाए कि क्या होता है। तो हम लोग अब बात करते हैं उन सभी चार टर्म को हम लोग देखते हैं, फिर आज के सेशन को हम लोग कंक्लूड करेंगे। और कल हमारा बायो का लास्ट लेक्चर कर, हम लोग प्लांट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे कुछ साइंटिफिक नेम्स और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए, चार वर्ड आपको याद रखना है यहां पर। सबसे पहला ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन, और चौथा होता है जिसे हम लोग कहते हैं डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन। अब ये क्या है समझना, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जब डीएनए से किसका पता लगाया जाए? आरएनए का, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ये क्या होता है, जब आरएनए से किसका पता लगाया जाए? डीएनए का, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना। और ये जो आपका कोविड के दौरान जो आपका आरटीपीसीआर टेस्ट आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना,
ये जो आरटीपीसीआर होता था ना, वहां पर क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन है ना, उसमें जो कोविड-19 जो कोरोना वायरस था वो एक आरएनए वायरस है, और ये आरटीपीसीआर से हम उसके डीएनए का पता लगाते थे है ना। और ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है जब आरएनए किसमें कन्वर्ट हो, जब आरएनए आपका प्रोटीन में कन्वर्ट हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और डुप्लीकेशन जब डीएनए खुद की अपनी कॉपी तैयार करे, यानी डीएनए जब डीएनए में ही चेंज हो है ना, उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। जब वो अपना एक फोटोकॉपी तैयार कर ले, अपनी कॉपी बना ले, तो दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। तो ये चार वर्ड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन चार वर्ड को आपने याद रखना है। इसे आप अंग्रेजी में ही याद रखिए, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और डुप्लीकेशन, ठीक है। चलिए, हां जी चेतना जी आ चुके हैं, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में फिर से, ठीक है। कल होगी क्लास आपकी, मेरी क्लास जो होगी इस वीक में, आज है, आज तो हो गई, अब कल होगी, फिर सैटरडे को होगी। फिर से मैं बता दे रहा हूं, इस बार वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इस तीन दिन आपकी आरओसी मैम की क्लास होगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। इस बार वे क्या कहते हैं, दैट इज चैन रिवर्स ट्रांस, इसका पद जिसे हम कहते हैं ट्रांस, कहते हैं डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन। अब ये क्या है समझना, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जब डीएनए से किसका पता लगाया जाए, आरएनए का, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ये क्या होता है, जब आरएनए से किसका पता लगाया जाए, डीएनए का, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है ना। और ये जो आपका कोविड के दौरान जो आपका आरटीपीसीआर टेस्ट आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना, ये जो आरटीपीसीआर होता था ना, वहां पर क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन है ना, उसमें जो कोविड-19 जो कोरोना वायरस था वो एक आरएनए वायरस है, और ये आरटीपीसीआर से हम उसके डीएनए का पता लगाते थे है ना। और ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है जब आरएनए किसमें कन्वर्ट हो, जब आरएनए उसमें जो कोविड-19 जो कोरोना वायरस था वो एक आरएनए वायरस है, और ये आरटीपीसीआर से हम उसके डीएनए का पता लगाते थे है ना। और ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है जब आरएनए किसमें कन्वर्ट हो, जब आरएनए आपका प्रोटीन में कन्वर्ट हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और डुप्लीकेशन जब डीएनए खुद की अपनी कॉपी तैयार करे, यानी डीएनए जब डीएनए में ही चेंज हो है ना, उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। जब वो अपना एक फोटोकॉपी तैयार कर ले, अपनी कॉपी बना ले, तो दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। तो ये चार वर्ड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन चार वर्ड को आपने याद रखना है। इसे आप अंग्रेजी में ही याद रखिए, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और डुप्लीकेशन, ठीक है। चलिए, दैट इज कॉल्ड आरएनए वायरस है, और ये आरटीपीसीआर से हम उसके डीएनए का पता लगाते थे है ना। और ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है जब आरएनए किसमें कन्वर्ट हो, जब आरएनए आपका प्रोटीन में कन्वर्ट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और डुप्लीकेशन जब डीएनए खुद की अपनी कॉपी तैयार करे, यानी डीएनए जब डीएनए में ही चेंज हो है ना, उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। जब वो अपना एक फोटोकॉपी तैयार कर ले, अपनी कॉपी बना ले, तो दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। तो ये चार वर्ड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन चार वर्ड को आपने याद रखना है। जब डीएनए में ही चेंज हो है ना, उसे क्या, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपी तैयार करे, यानी डीएनए, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और डुप्लीकेशन जब डीएनए खुद की अपनी कॉपी तैयार करे, यानी डीएनए जब डीएनए में ही चेंज हो है ना, उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। जब वो अपना एक फोटोकॉपी तैयार कर ले, अपनी कॉपी बना ले, तो दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। तो ये चार वर्ड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन चार वर्ड को आपने याद रखना है। इसे आप अंग्रेजी में ही याद रखिए, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और डुप्लीकेशन, ठीक है। चलिए, हां जी चेतना जी आ चुके हैं, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में फिर से,
ठीक है, कल होगी क्लास आपकी, मेरी क्लास जो होगी इस वीक में, आज है, आज तो हो गई, अब कल होगी, फिर सैटरडे को होगी। फिर से मैं बता दे रहा हूं, इस बार वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इस तीन दिन आपकी आरओसी मैम की क्लास होगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। अब हम लोग बात करते हैं, आपसे पूछेंगे कि इसका पूरा मतलब क्या है डीएनए का, तो याद रखना है सबसे पहला, बिल्कुल तो याद रखना है सबसे पहला, बिल्कुल स्टार्ट किया था प्लास्टिड के बारे में हम लोग।